4 टेबलस्पून कस्टर्ड लेंगे, मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, आप वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं। हाफ कप चीनी लेंगे, हाफ कप दूध लेंगे कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। बॉयल की हुई रंगीन सेवइयां लेंगे 1 कप, 1 कप हम फ्रूट कॉकटेल लेंगे, कटे हुए पिस्ता लेंगे 1 टेबलस्पून और 1 लीटर दूध लेंगे कस्टर्ड तैयार करने के लिए। एक बर्तन लेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, और दूध को बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ गया, अब हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को दूध में हल करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, तो चीनी दूध में हल हो चुकी है। अब इसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे, तो दूध में हम कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे, तो ये सारा इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने मैंगो फ्लेवर के लिए है, आप वनीला फ्लेवर का लें उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हम दूध में डाल देंगे, डालते जाएंगे और साथ मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करना आपने नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो लम्स बन जाएंगे। बस 1-2 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और साथ ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साथ साथ चलाते जाएंगे। ये हो गया, साथ ही इसमें हम ये कलरफुल सेवइयां डाल देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे उतार लेंगे, अब इसे सर्विंग बोल में हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड डालेंगे, तो ये हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम ये कॉकटेल डालेंगे, फिर से कस्टर्ड डालेंगे, और फिर से ये सारा कॉकटेल हम इसमें डाल देंगे। अब ये सारा कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे। तो सारी कस्टर्ड सेवइयां हमने इसमें डाल दी हैं, पिस्ता गार्निश करेंगे इसके ऊपर, और ये चेरी है इसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे इसे। तो तैयार है हमारा बहुत ही मजे का फ्रूट कस्टर्ड सेवइयां। आप इस ईद पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों के आगे पेश कीजिएगा, और मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे खा के, क्योंकि इसमें कस्टर्ड का भी टेस्ट है, सेवइयों का भी और फ्रूट्स का भी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे अच्छी तरह फ्रिज में ठंडा करें, उसके बाद आप इसे पेश कीजिएगा।